इस छोटी बेटी ने पेड़ों के लिए बहुत अच्छी बात कही। इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे कितने पेड़ों से प्यार करते हैं। आज के समय अगर पर्यावरण सुरक्षित है और पेड़ सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, नहीं तो नहीं। आने वाले समय में सांस लेने की भी तकलीफें होंगी, तो मित्रों हरे वृक्ष नहीं काटे और ना ही काटने दें। अगर हो तो वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें। पेड़ों को बचाना कोई भी अवश्य नहीं रहा है, सिर्फ 1730 की बात है। लैंसर राज्य के जोधपुर जिले के केजरी गांव में 363 मुस्लिमों ने अपने गांव के खेती के हरे वृक्ष को बचाने के लिए अपने सर कटवाए थे। जोधपुर के महाराजा अमर सिंह को किले के लिए हरे वृक्ष कटवाए थे, लेकिन अब विभिन्न मिश्रण ने छिपा हुआ शिकार करते हुए अपने तीन बच्चों गाँव वालों सहित बलिदान दिया। उनका एक ही नाम था सिरसा के रहे तो भी सुझा। राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार ने अमृता देवी विश्वविद्यालय में अगवान भी रखा गया है, जो इन राज्यों में वन्य जीवों की रक्षा और प्राकृतिक संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान देने पर दिया जाता है। दुनिया में जाने पर ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है, उसका कागज बनाता है, उस पर लिखता है पेड़ बचाओ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकृति का ना करे हरण, प्रकृति का ना करे हरण। आओ बचाओ पर्यावरण, आओ बचाओ। धन्यवाद।